अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि शॉपिफाई में ऐप्स क्या होती हैं और ऐप्स को कैसे यूज़ करते हैं और ऐप्स का काम क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, जो एप्लीकेशंस हैं ये फंक्शनैलिटी का काम करती हैं आपकी वेबसाइट स्टोर में, शॉपिफाई स्टोर में। जैसे अगर आप वर्डप्रेस पे काम करते हैं या वर्डप्रेस पे का आपको पता है, तो वर्डप्रेस पे प्लगइन्स जो होते हैं वो ऐप्स की तरह यूज़ होते हैं। प्लगइन्स आप डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी के तौर पे यूज़ करते हैं। तो सेम हेयर शॉपिफाई में आप ऐप्स को डाउनलोड नहीं करते, हम इंस्टॉल करते हैं। जो भी ऐप आपको चाहिए होती है हम उनको इंस्टॉल करके तो उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं अपने स्टोर में कोई नोटिफिकेशन बार बनाना चाहते हैं या प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बारे में कुछ करना चाहते हैं या प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन के बारे में, तो हर तरह की एप्लीकेशन अवेलेबल है शॉपिफाई स्टोर में आप स्टोर को कस्टमाइजेशन करने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐप्स होती किधर और कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो जब आप अपना शॉपिफाई स्टोर लॉगिन कर लेंगे तो लेफ़्ट साइड आपको डिस्काउंट के नीचे आपको ऐप्स लिखा नज़र आएगा। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है कस्टमाइज योर स्टोर पे क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा जी ओपन हो गया। तो जो भी ऐप आपको चाहिए वो आप उसका नाम सर्च करेंगे। जैसे कि फिलहाल मैं फेसबुक अपनी कनेक्ट करना चाहता हूँ स्टोर के साथ, तो मैं लिखता हूँ फेसबुक को सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद कुछ ये पेड भी होती हैं, कुछ फ्री भी होती हैं। शॉपिफाई में कुछ ऐप जो होती हैं वो पेड होती हैं, कुछ फ्री भी होती हैं। तो आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं और पेड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं फ्री टू इंस्टॉल है, ये फ्री है, ये भी फ्री है, ये 7 डे फ्री ट्रायल है। कुछ के ट्रायल होते हैं। फेसबुक चैनल वाली ऐप पर आपने क्लिक करना है। जो भी ऐप आपको चाहे उस पर क्लिक करके आपको ओपन करना है। फिर आपको ये एक बटन नज़र आ रहा होगा ऐड ऐप, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। जब आप ऐड ऐप करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके स्टोर में इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आप अपनी फेसबुक की लॉगिन डिटेल देके इसको अपने स्टोर के साथ लिंक कर सकते हैं। ऐड सेल चैनल, तो इस तरह ये देखें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। जब कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के बाद वो ऑनलाइन स्टोर के नीचे शो होना शुरू हो जाएंगी। जितनी आप इंस्टॉल करते जाएंगे वो नीचे आती जाएंगी वन बाय वन। तो ये थी ऐप्स के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी ऐप हम यूज़ करते हैं और कौन कौन सी ज़रूरी होती हैं। ड्रॉप शिपिंग भी ऐप्स होती हैं, हर तरह की ऐप्स अवेलेबल है। तो वन बाय वन मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताता जाऊंगा कि कौन सी ऐप है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोर एप्लीकेशन के साथ। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।